तो नमस्ते दोस्तों, जुले जी कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। काफ़ी दिनों बाद आज मैं फिर से एक और ब्लॉग बना रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, हमारे गांव में हरियाली आ चुका है। चारों तरफ देख सकते हैं आप, काफ़ी हरियाली और खेतों के बीच में यहाँ की औरतें खेतों में काम करते हुए। तो जिस जगह मैं आज जा रहा हूँ उस जगह का नाम है मिला डोंगखोंग। मिला का मीनिंग्स तो मुझे पता नहीं है, लेकिन डोंगखोंग का मीनिंग्स मतलब एक ऐसा चट्टान जो काफ़ी हाइट पे है। तो ये ट्रेल्स बने हैं गाइस, इसी ट्रेल्स को पकड़कर हम आगे की ओर जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए। बाकी खेतों में देख सकते हैं, आप सभी को मालूम होगा कि हमारा जो रक्षम गांव है बकवीट के लिए काफ़ी मशहूर है। तो अभी इन पूरे खेतों में बकवीट लग चुका है, अभी छोटे है गाइस। बाकी आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने काफ़ी सारे बकवीट के वीडियोस डाले हैं, तो देख लेना गाइस, ये अभी बहुत छोटे हैं। बाकी व्यू का आनंद लो। ये सामने सुंदर सा रक्षम विलेज, पूरा लश ग्रीन हो चुका है गांव और बीच में बांसपा रिवर। वैसे तो आजकल बारिश का सीज़न है गाइज यहाँ पे, पर इस बार बारिश नहीं हो रहा है, पर गर्मी बहुत है। पर अभी जिस जगह हम जा रहे हैं उसमें काफ़ी सारे घने जंगल आएंगे, आप लोग बने रहिए देखते रहिए। साथ में मेरे दो भाई लोग हैं, इनको भी मैं फर्स्ट टाइम ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा हमारा जो 15-20 आपको मालूम ही होगा वहाँ से बिलोंग करते हैं, गांडवी साइड से। तो इनको मैं साथ में घुमाने ले जा रहा हूँ। बाकी घास काफ़ी लंबे लंबे, एक बात ये है गाइस कि हमारे यहाँ पे चाहे घास जितना भी लंबा हो पर सांप का डर नहीं होता है, यहाँ पे कोई सांप नहीं होता है, तो इसीलिए एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा ये मज़ा नहीं आया दोस्तों, देख सकते हैं आप। बाकी आप लोगों को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों का ध्यान देना, ये थोड़ा सा गलत है। तो थोड़ा सा आप जंगलों में इस तरीके का कूड़ा ना फेंके, आप जैसा जूस पीते हैं, बोतल्स ले जाते हैं, नमकीन वगैरह, बस इसी चीज़ का मेन ध्यान रखना है। हमने नेचर को बिल्कुल स्वच्छ रखना है गाइस, तभी हमें ये इतना सुंदर दिखेगा, देख सकते हैं। अब यहाँ से काफ़ी आगे तक पूरा स्टीफ है, तो हमें आराम आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि थकावट होगा, क्योंकि सफ़र लंबा है गाइस। वैसे तो मेरे आइडिया से आगे शेपर्ड लोग भी मिल सकते हैं हमें, क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है कि आगे शेपर्ड लोग रहते हैं, अगर वो मिले तो उनसे भी मिलाऊंगा मैं आप लोगों को। तो गाइस देख सकते हैं, ये है देवदार का पेड़, शायद से इंग्लिश में इसको सीडर बोलते हैं। तो थोड़ा सा नज़दीक आएंगे यार आप, इसमें देख सकते हैं गाइस ये गोंद की तरह निकला हुआ है, गोंद की तरह निकला हुआ है, यहाँ भी देख सकते हैं मतलब ये पेड़ ऑयल छोड़ रहा है। तो अगर आप इसको खाओगे तो ये खाने का होता है, च्युइंगम बन जाता है गाइस,
च्युइंगम बन जाता है, पर मैं अभी खाऊंगा नहीं। इसको खा के गाइस आप जैसा पैदल चलोगे, स्टीप होगा, चढ़ाई होगा, वहाँ पे आपको थकावट बिल्कुल नहीं होगा गाइस। जैसा आप च्युइंगम भी चबाओगे, इससे भी आपको पानी का प्यास बंद हो जाएगा, पानी का प्यास ज़्यादा नहीं लगेगा, ये चीज़ होता है दोस्तों। तो चले आगे, मौसम बिल्कुल हमारा साथ दे रहा है, क्योंकि अगर तेज़ धूप होगा तो गर्मी काफ़ी लगेगा। तभी थोड़ा बादल है अभी, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है चलते समय। बाकी एक यहाँ पे एक बड़ा जैसा पत्थर है, उसमें देखो गाइस होल बना हुआ है, ये देखो काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों, पता नहीं कैसे बना होगा। तो चलते हैं आगे की ओर। जो ये मिला डोंगोंग है दोस्तों, जिसका जहाँ पे हम जा रहे हैं, उसका फर्स्ट आरंभ करने का जगह ये है। जो भी आदमी गांव से मिला डोंगोंग की ओर जाएगा, उसके लिए फर्स्ट रेस्ट करने के लिए जगह यहाँ पे। इसको गाली रा बोलते हैं, इस एरिया को गाली रा बोलते हैं। गाली रा का मतलब एक पत्थर, फटा हुआ पत्थर। गाली रा का मतलब फटा हुआ पत्थर, उसको यहाँ की बोली में गाली रा बोलते हैं। पर यहाँ कहीं फटा हुआ पत्थर दिख नहीं रहा है। बाकी जंगल देखो गाइस, जंगल चारों तरफ भोजपत्र ही भोजपत्र। ऐसा बोलते हैं जहाँ भोजपत्र का पेड़ स्टार्ट होता है, वहाँ से ऊपर कोई पेड़ नहीं होता, क्योंकि ये सबसे हाइट पे होता है। तो यहाँ से ऊपर टोटली भोजपत्र है। हाँ, कुछ एक पाइन ट्री भी है ऊपर। बाकी हमारे दो भाई आराम फरमाते हुए, काफ़ी एक्साइटेड है ये दोनों कि हम मिला डोंगोंग जा रहे हैं। ये तो नाम सुन के ही काफ़ी एक्साइटेड हो गए, बड़ा अजीब नाम है बोलते हैं। मेरे हिसाब से तो हो सके तो इन जंगलों में अकेला ना आए दोस्तों, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा रिक्स है बालू के लिए। आपको बालू मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे डब्बर है, आप खुद ही देख लीजिए क्या आप अकेले में यहाँ से आ सकते हो। आ तो सकते हैं, मगर थोड़ा डर तो होता ही है, देख सकते हैं। ये देखिए ऐसा रास्ता है। तो हो सके तो दोस्तों के साथ आना घूमने, जंगलों में आओ, शोर मत मचाओ, जानवरों को दिक्कत मत दो, पशु पक्षियों को अपना जंगलों में अच्छे से रहने दो। बस आप सिर्फ नेचर का मजे लो, नेचर का वाइब लो, नेचर का थेरेपी लो। भाई साहब ये पेड़ देखिए गाइस, भोजपत्र का कितना बड़ा है, वाओ। ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर टाइप के पेड़ है। कुछ एक मैं गिना देता हूँ, ये रहा भोजपत्र, ये रहा देवदार, ये रहा पॉपुलर का पेड़ देख सकते हैं, और एक आगे इसका नाम पता नहीं हमें, पीपल के पत्ते के तरह पत्ते हैं इसमें। यहाँ पे हर टाइप के पेड़ मिलेंगे आपको। थोड़ा सा यहाँ पे पानी पुनी पी रहे हमारे भाई लोग, आगे देख सकते हैं आप। वाओ गाइस, ये आगे का पहाड़ देखो, ये हमारे छोटे भाई 15-20 से। थोड़ा सा इनसे कुछ सवाल पूछते हैं गाइस, कि आपकी नोर के सेकंड लास्ट गांव में कैसा लग रहा है आपको। तो
आपको। मुकेश भाई कैसा लगा आपको यहाँ पे? बढ़िया। आज इस हाइक पे जा रहे हैं हम लोग, इस हाइक का नाम है मिलाडुंगोंग, क्योंकि आप दोनों एक्साइटेड थे तभी मैं ले जा रहा हूँ घुमाने आप लोगों को। कैसा लग रहा है? काफ़ी बहुत बढ़िया लग रहा है हमारे को यहाँ पे। बाकी हमारे साइड भी होता है जंगल, लेकिन जो यहाँ पे है वो बहुत बढ़िया है। क्या कह सकते हैं, लाजवाब। आप वैसे 15-20 कौन से गांव से हो? 15-20 गानवी। गानवी गांव से? अच्छा, तो ये गानवी गांव से बिलोंग करते हैं 15-20। आप शायद से फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट टाइम है मेरा सफर। बहुत तो आगे की ओर चलते हैं। थोड़ा हमारा एमडी भाई, इनको एमडी भाई बोलते हैं, वैसे इनका नाम सुरेंद्र है, थोड़ा सा कैमरे के आगे आने को इनको थोड़ा सा शर्म लगता है। आज से लगभग गाइस 10-12 साल पहले जब हम स्कूल पढ़ते थे, तो उन दिनों ना मोबाइल होता था, ना नेटवर्क होते थे, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं होता था। तो हमारा जो फ्री समय होता है, मतलब इन जंगलों में ही होते हैं हम, इन पहाड़ों में घूमने जाते हैं, जंगलों में ही रहते हैं। तो आज का टाइम है, आपको पता ही है, थोड़ा सा आज के युवाएं, आज के बच्चे बहुत कम जाते हैं जंगलों में, मतलब नेचर के साथ जुड़ना, थोड़ा वो मोबाइल के साथ ज़्यादा जुड़ चुके हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से इन नेचर का मज़े लो, इन जंगलों में आओ, घूमने आओ, देखो, इसी में ही मज़े है दोस्तों। बाकी देख सकते हैं, बाकी दोस्तों वैसे तो आजकल यहाँ के जंगलों में जंगली मशरूम पाए जाते हैं, आप सभी को मालूम होगा। तो शायद से मुझे लगता नहीं कि हमें मिलेगा, क्योंकि इस पर बारिश ही नहीं हुई, तो हम ढूंढने का कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें नहीं मिलेगा। अगर बाय चांस मिल गया तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। बाकी अब शायद से ज़्यादा 10-12 मिनट और लगेगा जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने में। बाकी आप सभी को पता है लगभग 3-4 साल से यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी कम पड़ रहा है, तो इसीलिए पहाड़ों में ग्लेशियर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो पानी का फ्लो कम हो जाता है। नहीं तो गाइस काफ़ी पानी का फ्लो होता है यहाँ पे, सुंदर सा वाटरफॉल, पर आजकल पानी का फ्लो कम है। बाकी ये जंगल देख सकते हैं आगे का, इसी एरिया को मिलाडुंगोंग बोलते हैं, ये पूरा एरिया मिलाडुंगोंग के नाम से जाना जाता है। बाकी हमारे गांव से जो भी जैसा गाय वगैरह पशु वगैरह उनको यहाँ पे लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी घास है। हाँ, उन जंगलों में थोड़ा सा बालू का रिक्स है, क्योंकि काफ़ी घना जंगल है। तो चलते हैं पानी के पास, तो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। मैं तो हमारे सुरेंद्र भाई बस चुपचाप बैठे हैं, मन ही मन खुश है वो, और हमारे दूसरे भाई टूरिस्ट बन के बैठा है यहाँ पे। तो
तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत। बाकी आगे का वीडियो मैं डालते रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस ब्लॉग को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बाय बाय दोस्तों, जुलेश जी।